आज हम राजनीति शास्त्र में जो हमारा राष्ट्रवाद वाला अध्याय चल रहा था 11वीं कक्षा में भाग 3 मतलब राष्ट्रवाद के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम राष्ट्रवाद का कुछ एक और इसका एक जो विषय है वो है राष्ट्रीयता के निर्माण में सहायक तत्व। तो हम देखते हैं कि अभी आपने देखा था कि राष्ट्रीयता के निर्माण में भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता ये उसके बहुत महत्वपूर्ण 4 तत्व थे। अब जो दूसरे तत्व हैं समान विश्वास और एकत्व की भावना, मतलब एक दूसरे के प्रति हमें विश्वास रखना है, एकता की भावना रखना है ताकि हमारी एक सामूहिक पहचान बन सके पूरा इस प्रकार। तो एक समूह बन जाए, एक टीम बन जाए और हम अपने आप को एक एकीकृत समझें, इससे हमारे सदस्यों को, सभी जो समूह के सदस्यों को विश्वास हो कि हम एक दूसरे के साथ हैं। दूसरा है भौगोलिक एकता। भौगोलिक मतलब किसी भी देश की भौगोलिक क्षेत्र, उसकी जो रचना है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्रीयता के निर्माण में। तो जिस मातृभूमि पे हम रहते हैं तो वहाँ पर तरह तरह के भौगोलिक क्षेत्र वाले लोग रहते हैं। कुछ पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, कुछ तराई वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो भौगोलिक एकता है वो भी राष्ट्र के और राष्ट्रीयता के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक तत्व है। भारतीय राष्ट्र की जो पहचान है वहाँ की नदियों, पर्वतों और उसके अंचलों, विभिन्नता में एकता लिए हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सहायक तत्व। फिर इतिहास, कुछ देशों के इतिहास मिलते जुलते तो नहीं है लेकिन कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं जो आसपास के हैं। तो हम इतिहास को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारी स्वतंत्रता को प्राप्ति के लिए किस प्रकार 1857 की क्रांति हुई, फिर ऐसे लक्ष्मीबाई और जो दूसरे सेनानी हैं उनके याद में, उनके उनकी क्रांति के बारे में जो लोकगीत हैं तो उनका इतिहास। तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारत की जॉन ऑफ आर्क बन गई और इन्हें फ्रांस ऑफ आर्क को फ्रांस की राष्ट्रीयता का जन्मदाता कहा जाते हैं। तो और भी ऐसे महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिनके कारण हमारा इतिहास जाना जाता है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में। इन्होंने जातिवाद को खत्म करने के लिए बहुत ही संघर्ष किए। तिलक, जिन्हें कि हम लोकमान्य तिलक जिसे हम आयरन मैन कहते हैं, किस प्रकार पूरी देशी रियासतों को इकट्ठा करने में मदद की। तो हमें इतिहास को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ये भी एक हमारी राष्ट्रवाद के निर्माण में एक तत्व है। फिर है सांस्कृतिक एकता। भारत में जैसे उदाहरण, भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और उनके सांस्कृतिक, उनके सब प्रोग्राम और जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो सब भिन्न भिन्न है। तो भिन्नताओं के बावजूद भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की सोच में एक आधारभूत एकता रहती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा भी अलग अलग बोली जाती है और उनके रीति रिवाज आप देख सकते हो ना कि आर्य, द्रविड़, यूनानी, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, ये सब भारतीय संस्कृति इनसे विकसित हुई है। और भारतीय सूफी संत बाबा ये सब भारत में पाए जा मतलब ये भारत में रहे और इन्होंने अपने सांस्कृतिक एकता का परिचय दिया और ईश्वर की प्राप्ति के बारे में भी बताया। फिर और भी सहायक तत्व हो सकते हैं, जैसे धर्म की समानता। अभी मैंने बताया था कि धर्म सबको स्वतंत्रता है लेकिन धर्म की समानता राष्ट्र और राष्ट्रीयता के निर्माण में बहुत अधिक योगदान दिया। लेकिन भारत में जब विभाजन हुआ तो जो मुस्लिम लीग और उसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? धर्म के आधार पर कर दिया।
लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तो ऐसा नहीं कि उस धर्म के लोग कहीं भी रह सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा बिंदु बोला गया था कि जिसको जहाँ रहना हो विभाजन के समय वो रह सकता है। फिर साझे आदर्श व मूल, हम अपनी पहचान के लिए हम अपने भूक्षेत्र और साझेदारी भी करते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो बाकी समूह से दूसरे राष्ट्रों से अलग करती हैं, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद जैसे जो मूल्य हैं, वे सब साथ साथ रहना चाहते हैं, तो उनकी एक राजनीतिक पहचान होती है। इसके बाद और भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, मतलब कोई भी राष्ट्र का है भले वो अलग अलग हैं लेकिन एक भावना उनमें जरूर रहती है, वो अपनी राष्ट्रीय एकता की भावनाएं रहती हैं। और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मतलब सबको, जो लोकतंत्रात्मक देश है तो उसमें भी राजनीतिक आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और हम इस प्रकार देखते हैं कि जिसमें कि जो भारतीय लोग हैं अपने राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण ही मतलब भारत को बड़ा सा, भारत के लिए बहुत त्याग और बलिदान करने की बात भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि राष्ट्र एक ऐसे मानव समूह से है जिसमें इतनी सारी विभिन्नताएं, आप देख सकते हो इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद भी वो एकता के बंधन में रहते हैं और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो महत्वपूर्ण पाठ का जो विषय है, आत्मनिर्णय सिद्धांत। जब हम हमें संप्रभुता हासिल हो जाती है, स्वतंत्रता हासिल हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि हमें आत्मनिर्णय सिद्धांत का विकास हो। आत्मनिर्णय सिद्धांत का मतलब होता है कि जिसमें राज्य के निवासियों में एकता, राष्ट्रभक्ति और भाईचारे की भावना स्थापित हो जाए, तो जिस उन्नति होती है देश में, फिर है अल्पसंख्यकों की समस्या नहीं रहती है। आत्मनिर्णय की भावना से ये कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। तो पहला उन्नति होती है, दूसरा यदि एक राष्ट्र वाले राज्य में अल्पसंख्यक नहीं होते तो राज्य की अल्पसंख्यकों की समस्या ही नहीं रहती, लेकिन राज्य के अल्पसंख्यक लोग रहते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ, उनकी विशेष, उनके लिए प्रोत्साहन के लिए उनको कुछ योगदान देना पड़ता है उनकी सहायता के लिए। यदि एक राष्ट्र हो जाए तो ये अल्पसंख्यक रहेगा ही नहीं कि कोई अल्पसंख्यक है, सभी जाते हैं, सभी संप्रदाय के लोग रह सकते हैं। फिर है स्वतंत्रता का चार्टर और ये महत्व बता रहे हैं हम उसके पक्ष में, इसके आत्मनिर्णय सिद्धांत के पक्ष में ये आप कुछ सिद्धांत दे सकते हो। फिर है इतिहास द्वारा पुष्टि, 20वीं शताब्दी में अफ्रीका, एशिया, कुछ देशों में भी स्वाधीनता प्राप्ति करने के लिए संघर्ष किए गए और सभी ने राष्ट्रीय आत्मनिर्माण निर्माण जो निर्णय सिद्धांत है उसको लागू करने को महत्व दिया। भारत, आयरलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब देश हैं, इन्होंने भी अपनी आज़ादी, देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में अपनी राष्ट्रीयता, आत्मनिर्णय सिद्धांत को क्या कर दिया, महत्व दिया। पांचवा पॉइंट है इसके पक्ष में प्रतिनिधि शासन के लिए अधिक उपयोगी, जैसे हमारे भारत देश में प्रतिनिधि बनते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं अधिकतर, तो उसके लिए ये आत्मनिर्णय सिद्धांत बहुत ही अच्छा है जिससे उनके आपसी हित एक जैसे हो सकते हैं। फिर है शक्ति संपन्न राज्य, एक राष्ट्रीय राज्य अनेक राष्ट्रीय राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, तो उनके नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी ज्यादा देखी जाती है। और एक राष्ट्र रहेगा तो यदि कभी कोई संकट उत्पन्न हो जाता है तो सभी रक्षा के लिए एक होने के नाते सभी अपना सहयोग देने के लिए क्या रहते हैं, तैयार हो जाते हैं।
अब है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की आलोचना, जो हमने अभी देखा कि कुछ पक्ष में तर्क दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों, कुछ विद्वानों ने यहाँ आलोचना भी की है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत अव्यवहारिक है, मतलब उचित नहीं है। और दूसरा दिया, और भी पॉइंट दिए कि इससे निश्चित क्षेत्र की समस्या का हल नहीं होगा। और ये भी बोला कि बड़े आकार में और इसके बड़ा हो जाएगा, और यह सिद्धांत प्रगति में क्या है, बाधक है। तानाशाही रहेगी, साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने इस राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की जो सिद्धांत है, अधिकार है, उसकी क्या की आलोचना की। तो हम देख सकते हैं कि किसी विशिष्ट राष्ट्रीय समुदाय को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए और किसे नहीं। राष्ट्रीय समुदाय को स्वतंत्रता और संप्रभु हम देते हैं जब उसको स्वतंत्रता मिलती है। तो हम देखें कि कोई भी राष्ट्रीय समुदाय स्वयं आत्मनिर्भर रहे, मतलब विदेशों पर उसकी निर्भरता कम रहे, आर्थिक रूप से भी वो आत्मनिर्भर बने ताकि विदेशी आक्रमणों से अपनी क्या कर सके, रक्षा करने में समर्थ रहे। इसके बाद एक और दूसरा विषय है राष्ट्रवाद और बहुलवाद। तो ये राष्ट्रवाद और बहुलवाद क्या है, इसका जो मेन अर्थ है कि विभिन्न राष्ट्र समुदायों और अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों व आकांक्षाओं से है। मतलब जो राष्ट्रीय समुदाय बने हुए हैं देश में, राष्ट्र में, उनके क्या अधिकार हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनसे संबंधित है इस राष्ट्रवाद और बहुलवाद का। तो राष्ट्रवाद और बहुलवाद में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो पहला अधिकार है कि अपनी भाषा और लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार। तो भारत देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी भाषा को ही स्थानीय भाषा के तौर पर उपयोग किया जाता है। अपने संस्कृति और रीति रिवाजों को भी बनाए रख सकते हैं, अपने धर्म को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ये है राष्ट्रवाद और बहुलवाद। जैसे हमारे यहाँ पारसी समुदाय है, बहुत ही अल्पसंख्यक है, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक समुदाय है। तो इसका एक अच्छा उदाहरण भी है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान ने जो पूर्वी पाकिस्तान थे उस पर, उस क्षेत्र में अपनी क्या किया, तानाशाही की। उस तानाशाही का परिणाम ये निकला कि वहाँ की जो संस्कृति और परंपराएं थी, वहाँ उसकी रक्षा नहीं हो सकी। और वहाँ के लोगों ने बहुत अत्याचार को सहन करने के बाद उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और पाकिस्तान से क्या हुई, उन्होंने लड़ाई युद्ध किया और फिर 1971 को एक नया देश बांग्लादेश बना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद और बहुलवाद में कभी भी इस प्रकार का तानाशाही भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की जैसे ये उदाहरण दिया है। नहीं तो नया राष्ट्र निर्माण होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। धन्यवाद।